सैयदिना मौलाना सल्ले अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद कदमों में जमील को रे रे चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से बड़ी बड़ी टेढ़ी है जब चांद से बड़ी बड़ी टेढ़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा तुम सल्ले अला मौलाना मुहम्मद अल्लाह ऊंचे शहर कितने दीजल जल के पेड़ बुझ गए क्या खबर कितने तारे झुक गए पर न डूबे न डूबा हमारा रिश्ते भी शामिल हैं तो अदब का एहतराम यानी कि तकाजा है कि जब रिश्ते आते हैं तो फिर हमें भी बाहर में रहना चाहिए और जो दिल में मुरादे हैं लेकर आए हैं यकीन कर लीजिए आज सादिया की जुबान पर यकीन कर लीजिए कि इंशाल्लाह सारी मुरादे पा कर जाएंगे आका का सदका लेकर जाएंगे झोलियां भर भर के जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना को भी साहिब औलाद करे उनकी भी अल्लाह ताला दिल की सारी मुरादे पूरी करवा दे यानी कि अगर कोई जैसे हमसे कोई नाराज है बुरा भला कहता रहता है बोलता रहता है तो किसी दिन जब वो चुपचाप है पता करे उसके पीछे जाए आका की सुन्नत पूरी करे देखे तो सही क्या बात है कि बीमार तो नहीं है
उदास तो नहीं, उसकी उदासी दूर कर दे कि आपने मुझे डांटा नहीं, बुरा गला नहीं कहा, तो मेरा आज कुछ सुकून था नहीं आ रहा। क्या बात है, इस हुस्न अखलाक से फर्क ये पड़ेगा कि उसकी जुबान में शिरीनी आ जाएगी, वो बदल जाएगा इंशाल्लाह। की सुन्नतों में बहुत बहुत भलाइयां हैं हमारे लिए, बहुत बहुत भलाइयां हैं। अल्लाह ताला का करीम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उन्हीं के रास्ते पर हमें गामजन फरमाए, जिनके नाम लेवा है, जिनके गीत गाते हैं, जिनके तराने पढ़ते हैं। अल्लाह हमारे दिलों को भी उनकी तरफ मोड़ दे, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को, हम सब को अल्लाह ताला अपने महबूब के रास्ते पर चला दे। बेशक की हकीकत ये है कि जो आका का रास्ता है वही सही रास्ता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो रास्ता है वही सही रास्ता है, तमाम अम्बिया का, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी अम्बिया है, जितने का रास्ता है वही सही रास्ता है। उस पर हमें चला दे कि जिसका जो एंड है, जिसकी मंजिल जो है वो जन्नत है, बागात है, तजरी में तहती हल अनहार, जिसके नीचे से ऐसे बागात जिनके नीचे से नहरें बहती है। हम यहाँ पर सोचते कि हमारा यूं घर हो, यूं महल हो, यूं इस तरह से मैं घर सजाऊं, क्या क्या हम सोचते हैं, ये सारी सोचें हमारी वहाँ पूरी होने वाली है। वहाँ के लिए हम एक अमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें वही बागात मिलेंगे जिसका हमसे वादा किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वादे के खिलाफ नहीं फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे बागात है जन्नत अदनी तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा, इतनी बड़ी बशारत कि खालिदीना हमेशा रहेंगे, फीहा उसमें अबदा हमेशा हमेशा उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए और शैतान के टेढ़े मेढ़े रास्ते से अल्लाह ताला हमें बचा ले। शैतान क्या क्या वसवसे पैदा करता है, अगर कि कोई नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, खैर है, इतनी भी दीन में सख्ती नहीं है, बहुत सी चीजों में हमें मतलब दूर करता है या कुछ ऐसी चीजें। इसी तरह जैसे हमारे यहाँ बच्चे कोई नहीं, कोई नहीं, क्या है इनकी जवानी है, गाने सुन रहे हैं, हम भी सुनते थे, कल सुधर जाएंगे। अगर हम अपने बच्चों के घर में यानी कि पहले से दिन से गानों की नफरत उनके दिल में पैदा करें, उनकी ब्रेन मोशन ही ऐसी करें कि उनको पता हो कि ये शैतान का राग है, शैतान इस पे नाचता है, और जब म्यूजिक बजता है, जब गाना चलता है, तो शैतान इतने ज्यादा हमारे घर में दाखिल होते हैं कि जो जिन्नात है, यानी हम जिन्नात को अपने घर में बुलाते हैं और हमारे बच्चों को वो कितनी कितनी तकलीफें, कभी वो गिरते हैं, कभी चोटें लगती है, क्या क्या नफूसत नहीं फैलाते शैतान हमारे घर में, कितनी ज्यादा तकलीफें क्यों नहीं लेकर आते शैतान, कभी बीमारियां, कभी क्या क्या तकलीफें। बहुत अलमुखसर बात यह है कि हम जो आज अपने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करेंगे वही उसी पर वो चलेंगे। यकीन कीजिए कि वो गाना सुनेगा तो वो कानों में हाथ लगाएंगे कि नहीं ये तो अच्छी चीज है ही नहीं, वो जहाँ गाना चल रहा है यहाँ पे तो जिन्नात होंगे, डरेंगे। तो अल्लाह ताला हमें हर गैर शरीय जिसको आका ने पसंद नहीं फरमाया, अल्लाह ने जिसको पसंद नहीं फरमाया, और जो शैतान की पसंदीदा राग है, अल्लाह ताला हमें उससे महफूज फरमा ले। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह।